केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने दी एमपी को एक और बड़ी सौगात। जब से ज्योतिराय सिंधिया ने केंद्रीय विमानन मंत्रालय संभाला है, मध्य प्रदेश में फ्लाइट सेवा की बात हो या अन्य सेवाओं की बात हो इस विभाग से जुड़ी हुई, लगातार ज्योतिराय सिंधिया कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश को सौगात देने की। लेकिन ये जो खजुराहो में सौगात मिली है, इस सौगात के मायने खास हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है एमपी में, एक बड़ी शुरुआत है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। दरअसल दो फ्लाइंग एकेडमीज का उद्घाटन किया ज्योतिराय सिंधिया ने यहाँ खजुराहो में, और ज्योतिराय सिंधिया बता रहे हैं कि खजुराहो में कैसे पूरा देश बसेगा। एमपी के खजुराहो जो पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान रखता है, लेकिन इस दो एकेडमियों के खुल जाने से क्या परिवर्तन होगा, ज्योतिराय सिंधिया से सुनिए। फ्लाइंग एकेडमीज के जरिए पूरे देश को हमने खजुराहो में बसाने का कार्य किया है, और मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे नौजवानों, जो इनकी आंखों में उमंग मैंने देखी है, जो इनकी क्षमता और ऊर्जा मैंने देखी, जो इनकी उत्सुकता मैंने देखी। अगले एक दो साल में मेरा एक एक नौजवान जो यहां बैठा है, मेरी एक एक युवती जो यहां बैठी हुई है, केवल मेरे ATR, मेरा Q400, केवल मेरा A319 A320 एयरक्राफ्ट, बोइंग 737 मैक्स नहीं, लेकिन मेरा बोइंग 787, बोइंग 777, और भारत में जो आने वाला है दिसंबर में A350 विमान का भी कप्तानी और कमांडरिंग करे, ये मेरी आशा और अभिलाषा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया बताते हुए कि पूरे देश के युवा यहाँ आएंगे और ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इसके अलावा खजुराहो को एक और सौगात मिली है विमान सेवा की। खजुराहो से नियमित तौर पर बनारस जाने के लिए भी फ्लाइट की सौगात मिल गई है, जो कि जल्द शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, आपको बता दूं कि देश में ही नहीं, एशिया में भी नहीं, ये पहली इस तरीके से हेलीकॉप्टर चलाने की कमर्शियल लाइसेंस देने की पहली अकेडमी होगी, जो अभी एशिया में कहीं नहीं है, जो कि खजुराहो में ये उद्घाटन इसका कर दिया गया है। और इसका जो लाभ मिलेगा वो युवाओं को मिलेगा। ज्योतिराय सिंधिया ने जो जानकारी दी कि ये पहला लाइसेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और खजुराहो की पहचान अब पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं होगी खाली, एक दो FTO बल्कि एक FTO केंद्र के तौर पर भी पहचान होगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से जैसा मैंने आपको बताया कि इसलिए खास है कि मध्य प्रदेश में विमान सुविधाओं का तो विस्तार हो ही रहा है, उसके अलावा जब इस तरीके की एकेडमी खुलेगी तो पूरे देश के युवा यहाँ आएंगे। इससे पहले आपको बता दूं, जो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग है वो काफ़ी महंगी होती है, उसके लिए विदेश जाना होता है। उससे एक तरफ तो जो छात्र जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके ऊपर वित्तीय भार पड़ता है, इसके अलावा विदेश जाना, अब उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी, और एकेडमी की शुरुआत होने से देश के युवाओं का जो है वो लाभ होगा, और खजुराहो की पहचान भी विशिष्ट तौर पर विकसित होगी। छतरपुर से आप तक खबर पहुंचाई लोकेश्वर असिया ने, आप देखते रहें अभी तक।